चलो देखो इधर तो सर्किल हम लोग देखे थे, ठीक है। दो स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे सर्किल का। एक हम लोग देखा था कि अगर सेंटर हमारा क्या हो जाए, ओरिजिन पे हो जाए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और सेंटर हमारा कहाँ है, ओरिजिन पे है। तो इस ये और रेडियस हमारा ए यूनिट है, ठीक है। तो सेंटर 0 0 था, ओरिजिन पे था, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया आपका ए यूनिट। तो जो इक्वेशन होती थी सर्किल की, इक्वेशन वो क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटर हमारा क्या है, किसी एच कॉमा के पर है, ठीक, मतलब वो एच कॉमा के कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरली मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, और कहीं एच कॉमा के यहाँ पे आ गया है। हालांकि एच कॉमा के हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं भी हो सकता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, किसी एक्सिस पे हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को जब यहाँ पे देखे थे, और साइज हमने वही रखा, सर्किल की साइज मतलब रेडियस हमारा वही है, रेडियस वही है, सेंटर हो गया हमारा एच कॉमा के, इसे कहते हैं शिफ्टेड सर्किल, है ना। और रेडियस हो गया आपका ए यूनिट। तो जो यहाँ पे इक्वेशन हो जाती थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था, ए स्क्वायर। तो यही दो सर्किल की इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंटर अगर 0 0 होता है तो वो इस्तेमाल करते हैं, और सेंटर एच कॉमा के पे कहीं चला जाता है तो ये इस्तेमाल करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो यहां पे हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम लोग कहते हैं कि अगर 2 डिग्री की एक्सप्रेशन हो, से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY और प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, ठीक है। अब वो प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कहीं भी सेंटर हो, लेकिन हमेशा यही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये इक्वल है किसके, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर के, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई कि जो आपका एक्स वाई का टर्म यहाँ पे नहीं है ना, जनरल देखिए 2 डिग्री जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 HXY प्लस BY² प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन होती है ना, ये जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन होगी। हम कह सकते हैं ये कि ये हमारी पॉलिनोमियल है, एक्स और वाई में 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाई स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। ये हो गया लीनियर टर्म हो गया, ये दोनों ये कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का टर्म भी है ना। तो दो बातें हैं कि अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ए है और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, बी है। तो ये जो एफ एक्स वाई है ये सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना। अगर इसे इक्वल टू 0 कर दे तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या करेगा तब जाके करेगा जब ए और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दूसरी बात क्या है कि ये वाला टर्म अब्सेंट होना चाहिए, और ये अब्सेंट तभी होगा जब इसका कोफिशियंट मतलब एच क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दूसरी बात होती है कि जो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई है, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो ये दो बातें होती है जाके, तब जाके वो 2 डिग्री जो आपका एक्सप्रेशन है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेंटर क्या लिखेंगे और रेडियस क्या लिखेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि सेंटर रेडियस कैसे रिकवर करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्स वाले टर्म साथ में कर लिया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म को हमने क्या कर लिया, साथ में कर लिया, तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और प्लस टू एफ वाई। और जो बचा आपका है ना उसको इस साइड ले आए, क्या बचा, प्लस का सी बचा, वो इस साइड ले आए, ये हो गया माइनस का सी। अब देखिए इस ब्रैकेट को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये क्या है, ए स्क्वायर है और प्लस टू ए बी है, क्या मिसिंग है, बी स्क्वायर मिसिंग है, तो जी स्क्वायर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या ऐड कर देंगे, एफ स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वली ऐड किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये किसका स्क्वायर हो गया, दैट बिकम एक्स प्लस जी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और प्लस ये किसका स्क्वायर हो गया, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल्स टू ये जो भी लिखा हुआ है उसे अंडर रूट करके स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर सकते हो जो स्टैंडर्ड आपकी थी एच कॉमा के वाले सेंटर से, मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसे अगर कंपेयर करो तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि हमारा माइनस एच की प्लेस पे प्लस का जी है ना, तो माइनस एच की प्लेस पे प्लस का जी है और माइनस के की प्लेस पे प्लस का एफ है, तो माइनस के की प्लेस पे प्लस का एफ है, और जो ए की प्लेस पे क्या है, ए की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस क्या है, सी है। अब हम जानते थे यहां से एच की वैल्यू हमें चाहिए, तो एच क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा माइनस का जी आ जाएगा, यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एफ आ जाएगा। अब हम लोग जानते थे कि जो नीचे वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या होता था, एच कॉमा के होता था, तो अगर इसका एच कॉमा के होता है तो सेंटर अपडेट हो जाएगा जी और एफ के टर्म में, तो हम कहते थे सेंटर जो है एच कॉमा के हुआ करता था, लेकिन एच की प्लेस पे अब क्या प्लेस कर देंगे, माइनस जी, और एफ की के की प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस का एफ, तो अब सेंटर इन टर्म ऑफ जी और एफ क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, और यहां से कंपेयर करके जी निकालेंगे, एफ निकालेंगे और सी निकाल लेंगे, तीन कांस्टेंट चाहिए आपको है ना, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू। जब वो तीनों वैल्यू आप कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फिर सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस क्या लिख लोगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख लोगे। ठीक है, नोट करो। अब देखो जी, इधर देखो, तो सिंपल सी बात, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयरिंग विथ है ना, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई, ये जनरल इक्वेशन आप हमेशा याद रखिए ना सर्किल के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, पहले ये इंश्योर कर लिया करिए, है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करें, टू जी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है और वहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का एट है, इसका मतलब जी क्या आता हुआ दिख गया, माइनस फोर आता हुआ दिख गया। इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट क्या है, टू एफ है और वहां पे प्लस का टेन है, तो एफ क्या आ गया, फाइव आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे सी है और वहां पे कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का ट्वेल्व है, तीनों कॉन्स्टेंट आपका आ गया जी एफ और सी।
अब सेंटर याद होना चाहिए, इस जनरल सर्किल के लिए सेंटर हम लोगों ने क्या कहा था, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ जी, उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फाइव फोर माइनस फोर है तो एक माइनस, ये उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, कॉमा फाइव का साइन माइनस फाइव कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस फाइव, ये सेंटर हो गया। और रेडियस, तो रेडियस ए की वैल्यू क्या हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड के लिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी। अब जी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर, ठीक है, हालांकि माइनस जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 और अब प्लस क्या हो जाएगा 25 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12, कितना आ रहा है 53 ना, रूट का 53। तो ये तो पार्ट हो गया जो एनसीईआरटी पूछा गया है, ठीक है, कि इसका सेंटर रेडियस। तो दो स्टेप में हम लोगों ने काम किया, सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, आप क्या कर लीजिए, जी एफ और सी तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, जब भी आपको सर्किल की इक्वेशन लिखनी होगी तो तीन कॉन्स्टेंट्स दिए जाएंगे, या किसी भी टर्म में हो सकते हैं तीन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या है जी एफ और सी, सेंटर याद रखिए माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, है ना, जो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ये अगर फाइंड आउट करना है तब कैसे करते हैं, तो हम जनरल पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल आपका है ना, और आपका सपोज ये सर्किल है, हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है, इसका मतलब कि ये सर्किल एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा होगा, ए और बी पे कट कर रहा होगा, ये बात समझ में आ गया। और जो ए बी है ये क्या कहा जाएगा, इंटरसेप्ट पार्ट बाय द सर्किल ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। अगर इस पॉइंट की बात करिए, है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ जीरो का एक्स वन कॉमा जीरो होगा, ये बात समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे है। और अगर पॉइंट ये वाला भी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कुछ एक्स टू कॉमा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो ये लेंथ होगी यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी एक्स वन होगी, और यहां से यहां तक ये जो है वो क्या हो जाएगी एक्स टू हो जाएगी। और आपको इंटरसेप्ट ए बी बताना है, तो जो ए बी होगा वो क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बात समझ में आ गया ना, ये बताना है। और क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग ये कह दे कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स और प्लस टू एफ वाई और प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, तो देखिए पॉइंट ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा और पॉइंट बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ए भी सर्किल और एक्स एक्सिस दोनों का पार्ट है, और पॉइंट बी जो है ये भी सर्किल और एक्स एक्सिस दोनों का पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू क्या प्लेस कर दे, जीरो प्लेस कर दे। जब वाई की वैल्यू जीरो प्लेस कर दोगे, क्योंकि आपको वही सोल्यूशन चाहिए वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जब जीरो हम डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स और प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया। अब ये x में क्वाड्रेटिक आ गई, आना भी चाहिए था क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो सर्किल है x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, ये बात समझ में है ना। लेकिन ये तीन सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सपोज ये x एक्सिस है और दो जगह पे कट करे, या ये हो सकता है कि ये x एक्सिस है और एक जगह टच करके क्या हो जाए निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि ये कट ही ना करे, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तो इस केस में इंटरसेप्ट जीरो होगा, इसमें कट करा ही नहीं एक्स एक्सिस से, तो इंटरसेप्ट की बात ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, और यहां पे इंटरसेप्ट की बात कर सकते हैं,
ये बात समझ में आया ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो सर्किल हमारे पास है वो एक्सिस को कट करेगा या कट नहीं करेगा, वो यही क्वाड्रेटिक बताएगी। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, इसका मतलब कौन सी सिचुएशन है, कट नहीं करेगा, या तो ये सर्किल एक्स एक्सिस के ऊपर है या सर्किल एक्स एक्सिस क्या है, नीचे है। और अगर डी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट पार्ट जीरो है, है ना। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो देर आर टू रियल रूट आर एग्जिस्ट, और दो रियल रूट एक्स वन एक्स टू जो हमने मान रखा है कि एक्स वन है और रूट दूसरा रूट क्या हो गया एक्स टू, तो हमें डिफरेंस ऑफ रूट कॉर्ड की लेंथ हम बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गया ना। तो अब निकालेंगे कैसे, देखिए, तो हम कहेंगे कि x1 x2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, है ना, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर x1 x2 इसके सॉल्यूशन है तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, b की जगह पे क्या है 2g है, तो माइनस का 2g अपॉन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a होता है, c बाई a का मतलब c हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना। और अपने को बताना क्या है, जो इंटरसेप्ट ए बी है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन है, और ये किसके इक्वल होता है, ये अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर और माइनस फोर एक्स वन एक्स टू, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटी है ये, क्या होता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए बी के इक्वल होगा। सोचिए कैसे, जब आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, टू ए बी भी आएगा प्लस का, लेकिन प्लस का टू ए बी माइनस का फोर ए बी, तो माइनस टू ए बी बचेगा, तो पूरा मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना। तो ये चीजें आप याद रखिए, कुछ चीजें तो पहले याद रखनी पड़ेंगी। अब यहां पे आप दोनों चीजें पता है, सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 पता है कितना है x1 प्लस x2 माइनस 2g, और माइनस 2g का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4g स्क्वायर, और माइनस का 4 क्या हो जाएगा c, 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, अंदर क्या आ जाएगा g स्क्वायर माइनस c, तो दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ये बात समझ में आ गया। तो अगर आप जीएफसी निकाल लेते हो, जी की वैल्यू एफ की वैल्यू सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हो, तो सिर्फ आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस ही नहीं आएगा, अब आप इंटरसेप्ट भी बता सकते हो। ये रेडीमेड फॉर्मूला हो गया आपके लिए, है ना, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन हमने कहा था, ये होगा ऐसा होगा। तो अगर ये जी स्क्वायर माइनस सी क्या हो गया, जी स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव हो गया तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी आने लगेगी, नॉन रियल क्वांटिटी आने लगेगी, निगेटिव नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर। भाई हम ये कह रहे हैं कि जी स्क्वायर माइनस सी निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉन रियल होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सर्किल एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या तो एक्स एक्सिस के सर्किल ऊपर है या फिर सर्किल एक्स एक्सिस क्या है नीचे है, क्योंकि आपको इमेजिनरी इंटरसेप्ट मिल रहा है, इसका मतलब रियल इंटरसेप्ट नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा। और अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया तो इंटरसेप्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि ये टच कर रहा है। ये बात समझ में है ना। तो एक्स एक्सिस एक्ट एज ए टेंजेंट है, ये बात समझ में आया ना। तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी ये कंडीशन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा अगर जी, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, तो जी स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रियल इंटरसेप्ट है, पॉसिबल है इंटरसेप्ट, इसका मतलब कि हम वो इंटरसेप्ट की लेंथ बता भी देंगे। इसका मतलब कि जी स्क्वायर माइनस सी पे तीन कंडीशन आ गई। पहला केस क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया कि जी स्क्वायर जो है लेस देन सी है, बात यही है ना, या चलिए ओरिजिनल फॉर्म में ले लेते हैं, लेस देन जीरो है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या, ये आइदर सर्किल लाइज अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, है ना, इट डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब केस टू क्या हो गया,
केस टू हो गया कि जो जी स्क्वायर माइनस सी है वो इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका क्या सिग्निफिकेंस लिखेंगे? इसका सिग्निफिकेंस यूं है कि ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कराएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस एक्ट एज ए टेंजेंट है ना, और इंटरसेप्ट लेंथ जीरो हो जाएगी क्योंकि वहां से निकल रहा है, इंटरसेप्ट लेंथ जीरो। केस थ्री क्या हो गया? केस थ्री हो गया जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो जाए, और अगर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कि एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी सर्किल से, या सर्किल का रियल इंटरसेप्ट पॉसिबल है, और जो लेंथ हो जाएगी इंटरसेप्ट लेंथ हो जाएगी इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा अंडर टू टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो नोट करिए था। तो देखिए y एक्सिस इंटरसेप्ट, अब y एक्सिस इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, सपोज कि अगर ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और सर्किल कुछ लेंथ कट कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करा दे ना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस तरह से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर्किल दो जगह पे कट किया, से ये पॉइंट पी मान लिए हम, और ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू है। जो ये पी पॉइंट है वो ओरिजिन से हमने मान लिया कि ये वाई वन डिस्टेंस पे है, इतना लेंथ क्या है वाई वन है, और जो ये लेंथ है और ये क्या है वाई टू है। इसका मतलब ये हुआ कि पी का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्योंकि पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, तो जीरो कॉमा वाई वन हो गया, और ये क्या हो गया जीरो कॉमा वाई टू। जो लेंथ था इंटरसेप्ट है वो पी क्यू है, पी क्यू का क्या मतलब मॉड ऑफ वाई टू माइनस वाई वन की बात करनी है। अब हम लोग जानते हैं, रिकॉर्डेड नहीं हो रहा, स्टार्ट किए थे, हाँ ठीक। तो देखो क्या हो गया, हमने कहा कि जनरल इक्वेशन सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। दो कर्व कहां दिख रहा है, एक तो सर्किल है और एक ये लाइन है, लाइन कौन सी है वाई एक्सिस, और इक्वेशन के फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू जीरो। तो दीज आर द टू कर्व्स, एक कर्व हो गया सर्कल और दूसरा कर्व हो गया स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करनी है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू क्या प्लेस कर दोगे, जीरो प्लेस कर दोगे। जब इसमें x की वैल्यू जीरो प्लेस कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बस बचेगा क्या वाई स्क्वायर प्लस 2fy plus c equals to 0। अब ये फिर से हमारे पास y में क्वाड्रेटिक आ गया, इसका मतलब यहाँ पे y की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और हो भी सकती है। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि ये दो जगह मीट करेगा, तो y1 y2 दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर उसी तरह से तीन सिचुएशन आ जाएगी कि ये y एक्सिस को क्या करे, दूर दूर रह जाए, है ना, ये y एक्सिस है, एक केस हो गई। दूसरा केस क्या हो गया, y एक्सिस को ये टच करे, इस तरह से टच करे, टेंजेंसी की कंडीशन आ गई y एक्सिस की। और तीसरा केस हो गया कि वो क्या कर दे, कट कर दे। तो देयर आर द थ्री सिचुएशंस। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी, है ना, उससे पहले हम लोग लेंथ निकाल ही लेते हैं। तो जो वाई वन वाई टू इसके दो रूट्स हो जाएंगे, ये बात समझ आ गया ना, वाई वन और वाई टू क्या हो जाएंगे, इसके दो रूट्स हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस टू एफ बाई वन, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, मतलब सी हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं हमें निकालना क्या है, हाँ यहां पर निकाल देते हैं। तो हमने कहा कि मॉड ऑफ वाई टू माइनस वाई वन निकालना है, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए स्क्वायर रूट ऑफ वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर और माइनस फोर वाई वन वाई टू, वैल्यू प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 आपका क्या है, है ना, तो 4f स्क्वायर हो जाएगा, तो 4f स्क्वायर माइनस 4c, फिर से 4 बाहर आ जाएगा 2 बनके, और f स्क्वायर माइनस क्या हो गया c हो गया।
अब ये क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकती है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी नॉन रियल भी हो सकती है ना, इसका मतलब कोई भी रियल इंटरसेप्ट नहीं है। तो ये कब नॉन रियल होगी, जब वाई एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव हो जाएगा। तो जब एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव हो जाएगा तब ऐसा होगा कि ये या तो वाई एक्सिस के उधर होगा या वाई एक्सिस के इस साइड में होगा, ठीक है। और अगर ये जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, और ऐसा हो गया तो एफ स्क्वायर माइनस सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो दीज आर द सिचुएशंस। तो ये हम क्या लिख लेंगे, ये केस वन हो गई और ये क्या हो गया, केस टू हो गया और केस थ्री हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। हाँ उसे भी हो जाएगा, कई बार हमें वो नहीं लगाना होता है, सही सोच रहे हो। देखो तो अब हमारे पास क्या है कि सपोज ये सर्कल है एंड कहीं बहुत सारे इसके इनफिनिट मेनी डायमीटर से कोई एक डायमीटर हमें पता है, ठीक है। सपोज ये डायमीटर पता है तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, ये सबसे लंबी कॉर्ड होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब हम कहते हैं कि इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, सपोज पी एक्स कॉमा वाई, अच्छा ये डायमीटर के एंड पॉइंट दिया गया है, एक्स वन कॉमा वाई वन हमें गिवेन है और एक्स टू कॉमा वाई टू भी गिवेन है, ठीक है। तो P कोई भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे अगर हम लेते हैं, सर्कमफेरेंस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए कहीं भी, और जब आप A से P को ज्वाइन करोगे, P से B को ज्वाइन करोगे, तो दैट इज द एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है बाय ज्योमेट्री, है ना। तो ये एंगल ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसको हम कहेंगे पाई बाई टू रेडियन कह ले या 90 डिग्री कह ले, दोनों बात बराबर है। तो हमें ये पता चलता है कि जो ये पॉइंट, जो ये लाइन PA है, PA और जो लाइन PB है, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है कि नहीं, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। ये बात समझ में आया ना, तो हम क्या कहेंगे, दैट इंप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इनटू m2 क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब m1 स्लोप मान लो pa का है, तो pa का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, y2, मतलब y इसे y2 ले रहे हैं ना, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप हो गया किसका, PA का। अब PB का स्लोप निकाल लीजिए, तो फिर y माइनस y2, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये आ गया इक्वल्स टू माइनस वन है। ये बात समझ में आया, ये दोनों ब्रैकेट हम उस साइड में भेज दे तो क्या नजर आएगा, ये दैट बिकम y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x माइनस x1, और फिर क्या हो जाएगा, x माइनस x2, सब कुछ एक तरफ ले आइए। तो बहुत सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है जो याद रहती है, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 टाइम्स क्या हो जाएगा, y माइनस y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना, तो दैट इज, ये डायरेक्ट आप लिखते हो, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवेन, है ना। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें एंड पॉइंट दिया गया है, आंसर आ चुका है, दूसरा तरीका हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एंड पॉइंट दिया गया है तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लें, क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब सेंटर आ गया तो प्रॉब्लम रेडियस की है कि रेडियस कैसे निकाला जाए। तो अगर आप ए बी डायरेक्ट निकालते हो तब तो आपको डायमीटर आएगा, आधा कर दोगे रेडियस आ जाएगा, लेकिन अगर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हो तब भी रेडियस आ जाएगा, जैसे निकाल लो। ये बात समझ में आया ना, तो वंस यू गेट द सेंटर एंड रेडियस, इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, वो अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो जो भी हो, आप अक्सर इस फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो, तो हम लोग पता कर, जैसे भी करना है कर लीजिए। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, तो x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2
y माइनस वाई वन टाइम्स y माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए कोई भी पॉइंट है, सपोज क्या हो सकता है, सपोज ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर हो सकता है पॉइंट, से पॉइंट ए सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर सकता है। सपोज ये बी पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है और तीसरा हो गया पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, मान लीजिए ये सी पॉइंट हो गया, ये सर्कल के आउटसाइड में है। तो देयर आर थ्री लोकेशंस या थ्री रिलेटिव पोजीशंस हो गई पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर है तो इस सर्कल पर नहीं कहा जाएगा, सर्कल पर का मतलब होता है ऑन द सर्कल का मतलब होता है ऑन द सर्कमफेरेंस, वो सर्कमफेरेंस का कोई मेंबर होगा, है ना। अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे, पॉइंट दिया जाए सर्कल दिया जाए तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए सर्कल दे रखा है, जनरल सर्कल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें सब आ जाता है आपका, जो भी वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सर्कल है, सब आ जाएगा इसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे कि एक इस एस एस एक्सप्रेशन लिख लोगे, एस का मतलब हुआ सब कुछ एक तरफ लाके इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ये एस आपने लिख लिया, है ना। इसका मतलब एस इक्वल टू जीरो सर्कल की इक्वेशन है, एस इक्वल टू जीरो, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो आपने एस लिख लिया, अब आप निकालेंगे एस वन। एस वन कहने का मतलब कि जहां एक्स है वहां पे आप एक्स वन रिप्लेस कर दीजिए और जहां वाई है वहां पे क्या लिख दीजिए, वाई वन लिख दीजिए, है ना। तो ये पॉइंट मान लीजिए एक्स वन वाई वन है, एक्स वन कॉमा वाई वन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप एक्स को रिप्लेस कर दिए एक्स वन से, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन और प्लस सी, ये बात समझ में आ गया। अब अगर एस वन क्या है, लेस देन जीरो है तब पॉइंट अंदर है, ये बात समझ आ गया ना। अगर एस वन इक्वल टू जीरो है तब पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, और अगर एस वन ग्रेटर देन जीरो है, एस वन ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो बहुत सिंपल है निकालना, है ना, रिलेटिव पोजिशन किसी पॉइंट का, पॉइंट दिया रहना चाहिए और सर्कल दिया रहना चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका, एनसीईआरटी 13 क्वेश्चन है ना, 11.1 11.1, हाँ। तो एनसीईआरटी इलेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अगर सर्किल को स्केच किया जाए, रफली स्केच किया जाए, तभी आप समझ पाओगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो सर्किल ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है, सर्किल ओरिजिन से होके जा रहा है और इंटरसेप्ट्स ए और बी है। इसका मतलब अगर ये ओ और ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ क्या है, ए है, और ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, है ना। अभी ज्योमेट्री को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अभी, लेकिन विदाउट ज्योमेट्री भी हम बता रहे हैं अभी आपको, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। सेंटर हमारा कहीं मान लीजिए जीरो जीरो है, अरे सॉरी, सेंटर कहीं मान लीजिए है, वो पता नहीं है हमें, है ना, निकालना है। लेकिन हम जानते हैं कि इस सेंटर सी से अगर परपेंडिकुलर डाल दें हम ओए पर, तो ओए हमारी कॉर्ड है और सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर हम ओएम की बात करें तो ये ओए की आधी होगी, तो ओएम जो हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ ओए हो जाएगा, इसका मतलब ए बाई टू आ गया। इसी तरह से अगर हम इस वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दें, से ओ एन है, सी सॉरी सी एन है, है ना, तो सी एन जो है ये भी परपेंडिकुलर डाला गया है तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ओ एन जो हो जाएगा ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, मतलब बी बाई टू हो गया। वंस वी गेट ये ए बाई टू है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने इसका लिख लिया ए बाई टू, और फिर वापस ऊपर कितना गए तो ये बी बाई टू, तो ये क्या हो गया, बी बाई टू।
तो सेंटर हमारे पास एच कॉमा के आ गया। एच की वैल्यू हो गई ए बाई टू और के की वैल्यू हो गई बी बाई टू। रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम लोग जानते हैं कि ये सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है ओरिजिन, तो इसको ज्वाइन कर दे, तो ये क्या हो गया, हाइपोटन्यूस है, रेडियस हो गया। तो ये ए बाई टू था और ये क्या है, बी बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ओसी हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो दैट बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन टू। फोर होगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट से ना टू। अब रेडियस भी आ गया आपके पास, तो सेंटर और रेडियस दोनों आ गया है ना, तो क्या लगा देंगे हम लोग, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह पे क्या रखें, ए बाई टू प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब के का होल स्क्वायर, तो बी बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर फोर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ आ जाएगा, ठीक छोड़ दे रहे हैं हम, दूसरा मेथड बताते हैं, मेथड नंबर टू। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें पता है कि अगर ये लेंथ ए है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बोलो, ए कॉमा जीरो, और बी का क्या आएगा, जीरो कॉमा बी। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अरे कैसे हो जाएगा, अरे वो हम बना रहे तब ना टच कर रहा है, ठीक है। गारंटी क्या है, ज्योमेट्रिकल गारंटी हमारे पास है कि ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये डायमीटर होगा, सबटेंडेड बाय एंगल 90, एंगल इन सेमी सर्किल हो गया, तो यहाँ पे हम गारंटी दे सकते हैं कि ए बी मस्ट बी डायमीटर है ना, उसको सेंटर से जाना ही पड़ेगा, ये बात समझ में आया। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, इसका मतलब कि एक को हम एक्स वन वाई वन कह दे रहे हैं और दूसरे को क्या कह दे रहे हैं, एक्स टू वाई टू। और देखो ये वाला फॉर्म यूज कर लेंगे, ये वाला लास्ट वाला डायमीटर के एंड पॉइंट दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन मतलब जीरो, वाई माइनस वाई सॉरी एक्स माइनस एक्स टू, एक्स टू मतलब ए, प्लस वाई माइनस वाई वन मतलब बी, और वाई माइनस वाई टू मतलब जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमको प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो आ गया, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये दूसरा तरीका होगा है ना। अब मान लीजिए इतना भी ज्योमेट्री आपको स्ट्राइक नहीं करती है तो सबसे सस्ता वाला देखते हैं, तीसरा तरीका है मेथड थ्री। मेथड थ्री है ना, तो मेथड थ्री क्या हो गया, देखिए मेथड थ्री में हम लोग कहेंगे कि हमारे पास पता है कि ये सर्कल तीन पॉइंट से होके जा रहा है, ये पता होना चाहिए, एक तो जीरो जीरो है, दूसरा है ए कॉमा जीरो, और तीसरा पॉइंट है जीरो कॉमा बी। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एज्यूम कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब चूंकि ये ओ से होके जा रहा है, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू, सर्कल पासिंग थ्रू ओ मतलब जीरो जीरो, तो हम एक्स की वैल्यू जीरो डाल देंगे और वाई की वैल्यू क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। इसका मतलब ये जीरो जीरो जीरो, सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा सी इक्व टू जीरो। ये कैसे आया समझ में आया ना, हमने क्या कर दिया, तो हाजिर ले लिया, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी इंटू जीरो प्लस टू एफ जीरो और प्लस सी इक्व टू जीरो, तो बचा क्या, सी इक्व टू जीरो। अब देखिए आपको क्या निकालना, जी एफ और सी निकालना है ना, तीन अननोन है आपके पास, एक आ चुका सी, अब दो और चाहिए, कौन कौन सा, जी और एफ चाहिए। अब दो पॉइंट अभी आपके पास बचा हुआ है, तो आप किसे पास करा देंगे, ए कॉमा जीरो से है ना, तो क्या लिखेंगे, सिंस हाँ
तो पासिंग थ्रू ए लिख देंगे, कौन पास करा सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू ए, ए मतलब ए कॉमा जीरो। तो अब बताइए एक्स की वैल्यू तो ए डाल दें लेकिन वाई की वैल्यू जीरो, तो टू जी ए और प्लस जीरो और सी तो जीरो आया ही था, इक्वल टू जीरो आ गया। यहां से ए कॉमन कर लीजिए क्या हो जाएगा, ए प्लस टू जी इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो टू जी की वैल्यू क्या आ गई। देखो या तो ए जीरो होगा लेकिन ए जीरो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट दिया गया है कुछ ना कुछ है, तो क्या जीरो होगा, ए प्लस टू जी जीरो होगा, तो टू जी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का ए आ गया। समझा गया, इसी तरह से हम यहां से पास कराएंगे जीरो कॉमा बी से पास कराएंगे, तो वहां से आ जाएगा टू एफ इक्वल टू माइनस बी, वहां से क्या आ जाएगा टू एफ इक्वल टू माइनस बी। ये बात समझा गया, करके देख लीजिएगा टू एफ इक्वल माइनस बी। अब वापस बैक सब्सटीट्यूट कर दे तीनों वैल्यू है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा देखिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू जी की जगह पे क्या रख दे माइनस ए, तो माइनस ए एक्स और टू एफ की जगह पे माइनस बी, तो माइनस बी वाई और सी तो जीरो है। बताइए यही तो आ रहा था, देखिए सेम आंसर आ गया। ये बात समझ में ना, ये तीन तरीके हो गए, जैसे भी आपको ठीक लगे करिए।